सागर में भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जयंती को यूथ कांग्रेस और सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां संगठन के कार्यकर्ता ने स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर नेहरू जी को याद कर बाल दिवस के रूप में जयंती मनाई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे के स्कूलों बच्चों को क्यों नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं इसकी जानकारी भी दी, तो वहीं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने भी नेहरू जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को इस दौरान उपहार स्वरूप पाठन पाठ में उपयोग होने वाली सामग्री का वितरण किया गया। बाल दिवस, वेरी गुड, तालियां, सबको तालियां बजाएं। और आप लोग ये बताइए आज किसका जन्मदिन है? चाचा नेहरू जी का। अच्छा, आप लोग एक चीज और बताओ, चाचा नेहरू जी को सबसे अच्छा क्या लगता था? फूल, और फूल जैसे बच्चे चाचा नेहरू जी को वो पसंद थे, इसलिए आज उनके जन्मदिन को हम सब लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हम आवाज लगाएंगे, चाचा नेहरू अमर रहे। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे, चाचा नेहरू अमर रहे, चाचा नेहरू अमर रहे। चलिए अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में आजादी के पहले जब अल्मोड़ा जेल में थे, तो वहाँ पर 14 नवंबर को ही चाहिए, अब उनको बाल दिवस बच्चों के बीच में जाना था, तो उनने जेलर से बोला और टाइम दिया कि आप हमें पुलिस के शहर यहाँ जो पास में बच्चों का जो स्कूल है उसमें ले चलो और हमें बच्चों के बीच में जाना है। तो नेहरू जी, जेलर ने नेहरू जी को जेल के बाहर निकाला और बाहर निकाल के पुलिस के अंग्रेज पुलिस के साथ वो वहाँ पर आए बासी स्कूल में, वहाँ बच्चों के साथ उन्होंने मिठाई बांटी, बिस्कुट बांटे। फिर उन्होंने कहा आज जो बच्चों का स्कूल में भोजन बना है वो भोजन इन्हीं बच्चों के साथ हम करेंगे, जेल का भोजन नहीं करेंगे। और बच्चों के साथ उन्होंने बैठ के अपना भोजन किया, जन्मदिन मनाया। आप उनके चरणों में सिद्धामन करते हुए भगवान उनको मोक्ष दे। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि बच्चों को अटूट प्रेम अटूट प्यार करते थे, और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा अच्छा पोषण मिले, ताकि भारत देश प्रबलता की ओर उन्नति की ओर पहुंचे, क्योंकि भारत का भविष्य बच्चों के अच्छी शिक्षा अच्छे भरण पोषण पर आधार रहता है। इसलिए उनकी यह रीति और नीति थी कि जितना अच्छा हमारे बच्चों का भरण पोषण रहेगा, उनकी जितनी अच्छी शिक्षा होगी, उतना अच्छा भारत का भविष्य, भारत का उज्ज्वल भविष्य होगा और अच्छा ज्ञान होगा। इसी आधार पे आज युवा कांग्रेस एवं सेवा दल, युवा सेवा दल यंग ब्रिगेड के द्वारा आज बच्चों के लिए आज ना पुरस्कार वितरण आज उनके लिए गिफ्ट आइटम रखा है, और हम सभी बच्चों से यही अनुरोध करते हैं कि आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका भविष्य होगा। जे नन्हे मुन्ने बच्चे भारत का आगे जाके भविष्य है, कहीं कोई वैज्ञानिक बनता है, कहीं कोई आईटी सेक्टर में जाता है, कहीं कोई सरकारी नौकरी में आईएएस आईपीएस अधिकारी बनता है। तो हमारे स्कूल के प्रबंधनों से अनुरोध है कि बच्चों के लिए इस प्रकार की ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो भारत के भविष्य बने, भारत देश के प्रगति में अपना योगदान दें। चाचा नेहरू अमर रहें।